मैं हैरान हाँ भी जिहड़े अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड भी जे आप कही भी राजनीति दे विच बहुत पढ़े लिखे वो लीडर ने उन्होंने ऐसा जिहड़ा बयान है हास्योहीन उत्थे करंसी लोग उन्हां डांस करदियां कुड़ियां दे पुदीवा पैरां दे विच करंसी रुलदी है और दूजा जो भी करंसी नाल शराब खरीदी जाती है तंबाकू खरीदा जाता सिगरटां खरीदी जाती मीट मास इस करंसी नाल खरीदा जाता हुण कल नूं आपां लक्ष्मी की तस्वीर वाली करंसी दे के शराब खरीदांगे पंजाब दे लोकां ने जिन्होंने उन्होंने दो बार पंजाब का मुख्यमंत्री चुनिया उन्होंने पंजाब की जनता दे विच वो जिहड़ी लिस्ट है करप्ट मिनिस्टरां दी वो जारी करनी चाहिए है और पंजाब दे लोग ये फैसला करन भी कौन ईमानदार सी ते कौन करप्ट है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रविंदर सराणा स्वागत करता तुहाडा लुधियाणा लाइव ते। दोस्तों अगर राजनीति की गल करिए तो राजनीति बड़े ही कहते ने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं बड़े ही बयान आते हैं लेकिन अगर हुण दी गल करिए तो एक बयान दिता है अरविंद केजरीवाल ने नोटा नूं लैके जिहदी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से भी मीडिया से भी कि नोटा विच लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। कई ने तो नानक साहब की फोटो भी कही है, कई ने अंबेडकर साहब की फोटो कही है। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये एक चर्चा का विषय, इस विषय में लैके असं चर्चा कर लगे हैं। जिस शख्स ने तुहानू रूबरू करा रहे हैं तुसीं बहुत अच्छी तरह जानते हो, पंजाब की राजनीति तो हमेशा सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल अमरजीत सिंह टिक्का जी साढ़े नाल जुड़ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू ने, पूर्व चेयरमैन है। सर स्वागत है, की कहना चाहोगे, की कहना चाहोगे जिहड़ा एक हुणे एक बयान है बड़ा ट्रोल हो रहा है बड़ा चर्चा हो रही है कि नोटा विच लक्ष्मी गणेश की एक फोटो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जिहड़े सीनियर लीडर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने गल कही है। देखो गणेश जी, लक्ष्मी जी, गुरु नानक साहब ये साडे पीर पैगंबर हो जाए और ये इन्हों का जो स्थान बहुत उच्चा है, पूजा का जो दर्जा है अज आप इन्हों दिने जड़िया माता लक्ष्मी दी, माता गणेश जी दी, गुरु नानक साहब दी ये जिहड़े तस्वीर ने इन्हां दे चित्तर है जां इन्हां दीआं मंदिर ते गुरद्वारियां च चंगी लगदी। मैं हैरान हाँ भी जिहड़े अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली दे मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड भी जे आपां कहीए भी राजनीति दे विच बहुत पढ़े लिखे वो लीडर ने उन्होंने ऐसा जिहड़ा बयान है हास्योहीन, क्योंकि जिहड़ा करंसी है देश की करंसी, पहली गल तो महात्मा गांधी साढ़े राष्ट्रपिता भी की इतराज है, महात्मा गांधी की तस्वीर करंसी के उपर देश आजाद होने तो बाद दी लगी हुई है। चलो कह रहे हैं इतराज नहीं, उन्हें ना हटाओ ये भी ला दो कह रहे हैं। नहीं देखो लाउण दा जिहड़ा हैगा करंसी सराणा साहब, तुसीं करंसी मिसयूज बहुत हुंदी है अपने तो, चलो नहीं यूपी च महाराष्ट्र दे विच मुजरे चलदे है, डांस पार्टियां उत्थे पब बने हुए है ते शरेआम लीगल उत्थे करंसी लोग उन्हां डांस करदियां कुड़ियां दे उत्तों दी वाह पैरों के करंसी रुलती है और दूजा जो भी करंसी नाल शराब खरीदी जाती है तंबाकू खरीदा जाता सिगरटां खरीदी जाती मीट मास इस करंसी नाल खरीदा जाता है जी, आ जिहड़ा चिट्टा नशा आ ये भी करंसी नाल। सो जिहड़े जिन्हें भी दो नंबर दे कह लो वो हानिकारक आप लिखिया होंगे शराब से भी तंबाकू से वो सारा करंसी ना हूँ कल आप लक्ष्मी की तस्वीर वाली करंसी दे के शराब खरीदा
नहीं टिक्का साहब चलो तुसी ये तां नेगेटिव गिनाता मैं पॉजिटिव गिना दिना जदों किते कन्यादान हुंदा है करंसी प्यार च दित्ती जांदी है मां नूं पुत्त नूं रखड़ी वाले दिन करंसी प्यार च दित्ती जांदी है गुरुद्वारे लई प्रसाद उसी करंसी तो लिता जांदा है देखो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह ने फिर जो तुसी अगर कहंदे हो करंसी नाल चीज़ां खरीदियां जांदियां ने फिर तो महात्मा गांधी दी फोटो भी नहीं होनी चाहिए अपमान तो उन्हां दा भी हो रहा है देखो सराणा साहब करंसी सांभ के रखण वाली चीज़ नहीं तुसी कहंदे भई आपां शगन दिंदे आ शगन कुड़ी ने सामभ के नहीं रखना आफ्टर ऑल जी करंसी आ बाजार चल जानी है देखो कितने तक आप एक नोट मेरी जेब च मैं इनू किन्ने दिन अपनी जेब च जा अपनी तिजोरी च सामभ के रख लूँगा ये एक बहुत हासोहीन केजरीवाल का बयान आ मैं तो हैरान हूँ कांग्रेस का जिहड़ा एम पी है डिंपा वो कहता गुरु नानक साहब की फोटो ला लो तुसी देखो ना करंसी नाल किन्ने अज मजाक चलते हैं भी गांधी साडा काम गांधी कराऊगा हुण कल नूं ये गल आपां सुननी चाहुंदे आ भी साडा काम जिहड़ा गणेश कराऊगा जां लक्ष्मी माता कराऊगी जां काम जिहड़ा आ उह गुरु नानक साहब कराउणगे उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिया कि लक्ष्मी गणेश की फोटो ला दो क्योंकि लक्ष्मी गणेश एक प्रतीक ने अपनी उदा पैसे दा कि लोग कहते हैं जे तो लक्ष्मी खुश हो जाए वो करंसी बड़ी आती है देखो आती है माता की पूजा वैसे ही हो सकती है घर के फोटो लाओ गणेश की लाओ लक्ष्मी माता गुरु नानक साहब की फोटो लाओ उत्थे पूजा करो तुसी अंबेडकर साहब भी ला सकते हैं कई ने कहा अंबेडकर साहब की फोटो ला दो चलो अंबेडकर की फोटो किसी हद तक आप मगर साढ़े जोड़ा कंस्टीट्यूशन है भारत का बहुत व्डे लीडर हुए है महात्मा गांधी तो बाद जे किसी का ना आता तो अंबेडकर का ना है ला सक पर गुरुआ पीर पैगंबर की जीड़ी तस्वीर है करंसी से वह नहीं ला सकते देखे ना पिंड जो नाच गाने चलते है गाने लाने लगते है कि भी लोग पैसे उन्होंने सिर तो वार अपमान तो महात्मा गांधी का भी होंगे पैरों के करंसी रुलती है महात्मा गांधी पैर रुलते हैं नहीं आप महात्मा गांधी एक इंसान है इंसान वो लक्ष्मी साड़ी माता कह लो गणेश जिन्होंने असं पूजते हैं गुरु नानक साहब साढ़े पैगंबर हुए है अ सारी दुनिया गुरु नानक साहब के नक्शे कदम से चल रही है आप उत्थे आप महात्मा गांधी नू और गुरु नानक साहब नू मिला नहीं सकते कोई बेल नहीं है की मनते हो राजनीत नू घुमा लिए बयान दिता गया है या लोगों का ध्यान हटा ली कि कहने का बयान दे दो राजनीति तुसी धुर च घूमती रहे लोग दूसरी तरफ ना जा मैं तो जेड़े वो केजरीवाल सरकार से एलीगेशन लग रहे वो गवर्नमेंट से वो मिनिस्टर से वो ध्यान हटाने लिए उन्हें एक दमा जो कंट्रोवर्शियल बयान जोड़ा है देता भी लोग ये लगे रहेंगे भी इधर न अदरवाइज ये कोई बयान बढ़ता नहीं देखो पंजाब अगर गल करिए तो बंदे तो भी आरोप लगे ने जोड़ा उन्होंने पैसे देन का फड़ता है अरोड़ा साहब जो कांग्रेस सरकार से मंत्री से हम बीजेपी च आ गए ने उन्हें उन्होंने तो रंगे हाथी फड़िया गया चलो असी तो मैं विजिलेंस की कार्रवाई का स्वागत किया मैं इको गल भगवंत मान का जे आप पूरे सत्त महीनों कोई नंबर बनते हैं तो एक ही नंबर बनता जी विजिलेंस की कार्रवाई भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने की है चाहे श्याम सुंदर अरोड़ा चाहे भारत भूषण आशू है चाहे वह ट्रस्टा के चेयरमैन है चाहे वह धर्मसोत सी जिन्हें भी है फड़े गए ज रिडार ते है ये कह रहे ने बीजेपी का इशारा तो नहीं कि सारे अजे तक कांग्रेस ही फड़ी गई है तुसी देख लो उस कांग्रेस ना सारे दा तालुकात है जिन्ने भी बंदे ने ये लगता है कि कितने उपरो कह रहे ने मैनेज हो गए काम हो रहा है नहीं ऐसी कोई गल नहीं हैगी मैनेज वाली कोई गल नहीं हैगी फिर तो ईडी हैगी है वो आप ही फड़ सकते इन्हों ईडी हैगी है भारत सरकार को बहुत बड़ी एजेंसी है कितों भज लेंगे ये तो पंजाब सरकार ने उन्हें भ्रिष्टाचारी जिन्होंने पंजाब को लुटिया वो बेदर्दी लुटिया ये एक फैसला है भगवंत मान का जिंकी शलाघा करनी बनती है वो लोग कह रहे हैं भगवंत मान कैप्टन साहब के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं
तो कैप्टन साहब उत्ते भी चाहे सेंटर सिटी का घोटाला होवे कई होर घोटाले नेड़े तेड़े घूम रहे हैं कैप्टन साहब तो कई जड़े कांग्रेसी है वह तक कई गल कर रहे हैं कैप्टन साहब की भी एक बार इनकुआरी ठीक तरह कराई जाए। देखो कैप्टन साहब एक बहुत वड्डी शख्सियत है पंजाब की बीजेपी चाहिए ना इस करके नहीं वैसे ही एक बहुत वड्डा नाम है बहुत वड्डी शख्सियत है तो उन्होंने करप्शन वाली उन्हों बारे सोचे भी नहीं जा सकता और जेडे अकाली दल वे लगे से सारे केसा चो बरी हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुकाबला आप किवें कर सकते किसी जेडे कांग्रेसी आशू तो सुंदर श्याम रोड़े ना नहीं कैप्टन का कद बहुत वड्डा है नहीं कद वड्डा छोटे की गल ही नहीं ना जे अगर कोई करप्ट है तो करप्ट ही है चाहे वो एक गल वक्री है कि हजे किसी पर कोई आरोप नहीं लगे या उसकी जांच नहीं हुई है लोग ये कह रहे हैं गहनता ना इन्हों का भी पूछती गुछ होनी चाहिए है। नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आप कह रहे भी मेरी सरकार दे विच जिहड़े मंत्री सीगे वो करप्ट सीगे और मैं जल्दी भगवंत मान नूं लिस्ट देनी है। मैं तो इतों तक भी कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि पंजाब दे लोकां नूं लिस्ट देण पंजाब दे लोकां ने जिन्होंने उन्होंने दो बार पंजाब का मुख्यमंत्री चुनिया उन्होंने पंजाब की जनता दे विच वो जिहड़ी लिस्ट है करप्ट मिनिस्टर की वो जारी करनी चाहिए है और पंजाब दे लोग ये फैसला करन भी कौन ईमानदार सी ते कौन करप्ट है। ठीक है साहब एक होर माहौल पंजाब विच गर्म चल रहा अगर आप अमृतपाल की गल करिए लैके बड़ा विवाद चल रहा है लोग कह रहे हैं ये एजेंसी का बंदा कोई कह रहे हैं सेंटर का बंदा तुसी किस तरह देखते हो इस चीज़ को लैके कि जिहड़ा अज वो बंदा जगह जगह जाके बयान दे रहा। देखो अमृतपाल सिंह ने हाले तक कोई भी ऐसा देश नूं तोड़न वाला गलत बयान अज तक उन्हें देखो लड़ाई धर्म परिवर्तन वो पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते धर्म परिवर्तन साढ़े हो रहा इधर माझे च तरन तारण पट्टी मजीठा ये जिहड़े गुरदासपुर की बैल्ट है जिन्ना बॉर्डर का सारे बॉर्डर एरिए धर्म जिहड़ा परिवर्तन है कौन करवा रहा ईसाई करवा रहे तुसीं मंदे इस गल नूं बिल्कुल मंदा जी मैं ते फिर वो रोक रहे तुसीं इह मंदे बिल्कुल रोकना चाहिए रोकना चाहिए और रोक नहीं रहा उन्हें एक आवाज़ उठाई है भी ये बंद होना चाहिए। खालिस्तान की डिमांड कर रहे हो नहीं खालिस्तान की कोई डिमांड नहीं उन्हें की खालिस्तान की डिमांड का सिमरनजीत मान भी कर रहे पिछले तीह साल बत्ती साल तो पिंडरांवाले के पैरोकार है कहना पिंडरांवाले का पैरोकार है जो जंग उन्हें चालू की मैं पूरी लड़नी है। देखो पिंडरांवाले ने भी कोई खालिस्तान की जिहड़ी जे आप बहुत जावे ना डूंघाई च आनंदपुर साहब के मते तो लड़ाई शुरू हुई सी जां पंजाब के पाणिया तो खीर वो मुक्की जाके दरबार साहब ते फौजी हमला तुसीं मंदे पंजाब का हक मारिया जा रहा बिल्कुल मारिया जा रहा सेंटर मार रही है नहीं बीजेपी चो नहीं गल कहो क्योंकि हम बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम कह रहे हो मारिया जा रहा है कह रहे हो अमृतपाल भी ठीक है। मैं दसदा जी जिहड़े पंजाब दे हक्की मसले है जिवें पंजाब दे पाणियां दी गल चंडीगढ़ का मसला ये पंजाब दे हक्की मसले है ये पंजाब हल होने चाहिए है पंजाब नूं चंडीगढ़ मिलना चाहिए पंजाब का जिहड़ा पाणी है वो पानी ते केवल हक पंजाब दा बीजेपी दे इन्ने सीनियर आगू कहो मोदी साहब नू बीजेपी ने कहो बिल्कुल असी टाइम दे टाइम मोदी साहब नू लिखते रहने भी जिहड़े पेंडिंग इशू हैं। देखो उन्होंने मोदी साहब ने बहुत वड्डा एक मसला हुणी दो चार दिन पहलों जिहड़ा हेमकुंड साहब की यात्रा तकरीबन सिख संगत ही जाती है और ज़्यादातर लोग पंजाब चो जाते हैं वो 12-13 किलोमीटर का जिहड़ा सफ़र है यात्रा वो सारी जे रोपवे बन जाता तो उस सफ़र सारा ही 45 मिनट का रह जाना। मोदी साहब बहुत वड्डे फैसले है और मैनू ये भी लगता भी आने वाले भविख दे विच जिवें बंदी सिंघा की जिहड़ी रिहाई है वो भी होगी चंडीगढ़ का मसला हल भी होगा और पंजाब दे पाणियां का जिहड़ा मसला है वो भी हल होगा। ये सारे मसले जिहड़े हल है
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਕਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸੱਕਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਲੜੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਕਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਊਗੀ ਲੜੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਵਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੰਡਿੰਗ? ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਤਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਪੇਬਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਨੀ ਬਿਠਾਤਾ? ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਨੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਕਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਦਊਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟਿੰਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ।